जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और आज हम लोग ये हौद एक पानी का भरावा जिसमें हम गाय को पानी पिलाते हैं, वो उसका पानी बहुत दिनों से गंदा हो गया है क्यों, और यहाँ पे बहुत सारा शैवाल भी लग चुका है क्योंकि अभी बहुत सारा पानी नदी में बहता है तो वहीं पर उन जानवरों को पानी पीने के लिए लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर कोई पानी नहीं पिलाता इसलिए इसमें बहुत सारा शैवाल लग चुका है, तो इसको साफ करना है। और बहुत मज़ा आता है जब भी इसको हम लोग साफ करते। कृष्णा आदिति भी अभी नदी में डुबकी लगा के आए हैं, गीले हो चुके हैं पूरे, अभी भी बोल रहे हैं हौद में आएंगे, लेकिन यहाँ पे शैवाल है ना तो पैर फिसलता है और पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, इसीलिए उन दोनों को साइड में रखा है। और हम मैं साफ कर रही हूँ और बाद में मुझे अनिता भी हेल्प करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। और अभी पानी को मैंने यहाँ से निकाल दिया है क्योंकि पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा तो साफ करने में भी बताएगा। हम लोग जो भी काम करते हम लोग बड़ी खुशी आने का वेट नहीं करते, जो भी होता है उसी में बहुत सारे खुशियाँ बटोर लेते, क्यों हल्की हल्की फुल्की फुल्की बातों से। लाइफ सो इम्पॉर्टेंट और उसमें खुशियाँ हो तो और भी ज़्यादा। और हर किसी के लाइफ में बहुत सारा वर्क होता है, हर कोई बिजी होता है, तो क्यों टेंशन में जिए, इससे अच्छा है तो जो भी पल मिले खुशी से जियो और जो भी काम करो खुशी से करो, तो काम काम नहीं लगता और काम इंजॉयमेंट भी इंजॉयमेंट हो जाती है और काम का काम। तो अभी बात करते करते देखो मेरा इधर से पानी निकल जा रहा है, उसका जो गंदगी हो गई है वो भी बाहर जा रही है और मैं घिसती जा रही हूँ। अभी उसे पूरा फटाफट से पूरा क्लीन करेंगे और फिर इसे अच्छे पानी से साफ सुथरे पानी से भर के रखेंगे, क्योंकि वो भर के रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें दरारें भी आते हैं। और जब भी टाइम कम हो तो अच्छा पानी साफ सुथरा ये भी पिला देते हैं ताकि हर बार नदी पे ना जाना पड़े। अभी देख रहे हो आप कितना शैवाल लगा है इसमें, तो ये साफ करने में बहुत मज़ा भी आता है। और आज तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कृष्णा आदिति को मैं फिसलते पानी में बच्चे, इसीलिए यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से खड़ी हूँ, नहीं तो बड़े भी फिसलते इसमें। शैवाल पूछता नहीं कि तुम छोटे हो या बड़े हो, फिसल देता फिसल जाते उस पे। पर मैं जम के पैर डाली हूँ तो और एक हाथ से पकड़ भी रखा है तो कुछ नहीं। और इसी तरह से पूरा इसको साफ करना है और क्लीन करेंगे पूरा इसे, क्योंकि जानवर भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और थक भी जाते हैं इसमें, तो उनके लिए भी अच्छा पानी और खान पान का पूरा प्रबंध हम लोगों को ही करना होता है, जो हमारे बहुत फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा होते हैं। और अभी मेरा काम पूरा हो चुका था और कृष्णा आदिति की जैसे मुझे भी बहुत तकलीफ रहती है, तो ये जब मैं नीचे नीचे जाता है ना पानी तो फिसलता है पैर इसमें, तो पहले भी फिसलता है लेकिन जब कम पानी हो तो हम अपने आप को भी बहुत और ऐसे पैर अपने आप फिसलता है तो बहुत मज़ा आता है मुझे। जब भी आप करते हो इसी तरह से बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग, और सबसे ज़्यादा हम दो तीन लोग तो इसमें होते ही होते और फिर इसे पूरी तरह से काट इसकी निकाल देते तब जाके नया पानी भरता है इसमें। और ये पूरा गंदा पानी निकालने के बाद फिर अच्छे पानी से भी धोते ताकि जब नया पानी डालें तो वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और बहुत इंजॉय करते हुए हमने हौद को भी चकाचक कर दिया। आप आदिति बोल रही थी आप दोनों बाहर नहीं निकल सकते, तो अभी कैसे आएंगे बाहर, तो देखो आप खुद
और ये देखिए क्यों अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल इसके आगे दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे भरा और क्या किया। फिर मिलते हैं, राधे राधे।